झज्जर का सिविल अस्पताल आए दिन कुछ ना कुछ सुर्खियों में बना रहता है। कभी डॉक्टर नदारद रहते हैं तो कभी गंदगी का अंबार इस अस्पताल में देखने को मिला। कई बार लाइट की समस्या भी इस अस्पताल में देखने को मिली, लेकिन आज एक अलग ही मामला सामने आया। एक पीड़ित लड़की जिसके साथ मारपीट हुई थी, घर का कोई कलेश था। लड़की जब यहाँ पर अपने इलाज के लिए आई तो 2 घंटे से भी ज़्यादा उसे इधर उधर घुमाया गया, उसका इलाज नहीं किया गया। डॉक्टर किसी और का तो इलाज करते नजर आए, लेकिन इस लड़की का इलाज आखिर क्यों नहीं किया, हम आपको बताते हैं। क्योंकि जनाब साहिल शर्मा यहीं पर कार्यरत है और इस लड़की का पति भी है, और उसी पर ये लड़की और इसके पिता गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो लगातार हमारी बेटी के साथ मारपीट करता है। जब ये शादी में शिरकत करने के लिए अपने मायके आई, उसके बाद साहिल गुस्सा हो गया और उसे घर से लेने आया। उसके बाद जब इसने मना किया कि 2 या 3 दिन के बाद मैं अपने ससुराल आ जाऊंगी, इससे क्रोधित होकर साहिल ने इसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद जैसे ही अस्पताल में अपना इलाज कराने जब ये युवती पहुंची तो साहिल ने हेकड़ी दिखाई कि इस अस्पताल में मेरी चलती है, क्योंकि इस अस्पताल में मैं काम करता हूँ, आपका इलाज नहीं होगा, जो चाहे आप कर ले। जनाब हुआ भी कुछ ऐसा ही, या तो डॉक्टरों की लापरवाही मान ले या फिर साहिल की दबंगई मान ले। और 2 घंटे तक ये लड़की इधर से उधर अपने कागजों को लेकर घूमती रही। डॉक्टर देखते और उसके बाद उन्हें ये कह देते कि इसके इलाज के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि साहिल लगातार हमें धमकी देता रहा कि आप कितनी भी जान पहचान है वो लगा लीजिएगा, आपका इलाज यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ मेरी चलती है। उसके बाद जब हमने लड़की से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार वो मुझे मारता है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे घर आया और मेरे साथ मारपीट करने लगा। हालांकि ये सब कुछ तो एक तरफ था, लेकिन साहिल का पक्ष जानना भी बड़ा बेहद ज़रूरी हो गया था। उसके बाद हमने जब साहिल से उसका पक्ष जाना तो उन्होंने टोटल विपरीत करते हुए बताया कि लड़की से मेरी कोई भी बात नहीं हुई, मेरी वाइफ और मेरे बीच कोई भी मतभेद और मनमुटाव नहीं है जनाब, उसकी मेन वजह उनके ताऊ है और ताऊ के ही बहकावे में वो लगातार इस तरह की बातें कर रही है। जब ताऊ का प्रेशर उस पे से हटेगा तो वो सच्चाई बयां करेंगे। जब उससे पूछा गया कि आप अस्पताल के बारे में इस तरह बताते हैं कि आप इलाज नहीं होने देंगे, तो उन्होंने कहा ये अस्पताल निजी अस्पताल नहीं है, ये सिविल अस्पताल है और सभी का इलाज यहाँ पर होता है, ऐसी कोई भी बातें मैंने नहीं की, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। साहिल की बात पर भी विश्वास किया जा सकता है, लेकिन जनाब इस लड़की के शरीर पर जो चोट के निशान हैं, आखिर उसकी वजह क्या है, पुलिस को और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों को कम से कम पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, और चाहे हालात कुछ भी रहे हों डॉक्टर को अपना फर्ज निभाना चाहिए और पुलिस को मामला दर्ज करके साहिल से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर में सच्चाई है भी क्या। रेखा जी मेडिकल में आए जी, मेरे चोट लग गई, चोट मार के गए जी, मेरे लड़के मेरे मौसी जी लड़के के दाखला ब्याह रखे जी, उसके सासू ससुरे थे और 2-4 5 जने आदमी थे। नहीं जी कोई नहीं, 1 घंटा यहाँ 1.5 घंटा बैठे, कोई डॉक्टर नहीं, कोई बात नहीं जी, कुछ नहीं, जो मैं जमाई है वो यहाँ लग रहा जी डॉक्टर मेडिकल में, उसने कोई वो नहीं जी, उसको जानकारी के मारे मारे में कोई वो नहीं लिया जी एक्शन, वो कुछ नहीं कहते जी, आए नहीं जी, उठ के नहीं आए, 1.5-2 घंटा हो गया जी बैठे, नहीं हालत मेरी ज़्यादा ख़राब है, वो उसे नहीं मना कराया जी, मत देखो इसको मत संभालो, मेरी ज़्यादा हालत ख़राब है जी, नाक में कैची लेकर आते जी, नाक में कैची मारी। हाँ जी मेरा नाम महेंद्र शर्मा सर, ये मामला ये है जी, कल मेरी बिटिया की शादी थी जी, तो जी मेरी छोटी भतीजी है, उसको अमना पुचकार के ढाकला गाँव से लेके आए थे जी शादी में, तो बटे उस शादी में शामिल नहीं हुआ जी, आज वो उस लड़के को लेने के लिए आ गया, तो हमने मना किया भाई 1-2 दिन में ले जाना, इस बात पे तू तुम्हें मोगी जी, फिर वो ढाकला गाँव से गुंडों की गाड़ी भर के ले आया जी, उन्होंने मेरे घर पर हमला कर दिया जी, मेरी पत्नी के भी चोट लगी, मेरे भी लगी जी, पूरी गली पूरा मोहल्ला मेरी इस चीज़ का चश्मदीद गवाह जी, कैमरे लगे हैं वहाँ पे गली में, कोई भी देख सकता है जी, और यहाँ मेडिकल में लेके आए तो जी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सब ये कहते हैं वो साहिल जी जो हमारा बटे हुए कहता है छाती में हाथ मार के, मैं कोई भी कार्रवाई नहीं होने दूंगा किसी भी प्रकार की भी, कहीं भी घूम लो सारा मेडिकल मेरा है, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, यहाँ मेरी चलती पिलती है, डॉक्टर जी कमरा ही नहीं खोलते, नु कहें और मरीजों को देखने बाद में बात करना, 3 घंटे मुझे हो गए यहाँ,
अपने परिवार को लेते हुए, पीड़ित परिवार को लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं है। मैं मेडिकल में हूँ जी, यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है किसी भी डॉक्टर की भी किसी प्रकार की। पुलिस वाले आए थे जी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब का एक ही बयान है, थोड़ी देर में आ रहा हूँ जी, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अभी कार्रवाई करता हूँ। बताओ सर अब क्या करें, आप कहाँ जाए, हम है कोई न्याय इस देश में, बताओ क्या बात हो गई थी? आप कई घर पे हाथ खींच के वो नजल मेरे साथ। अच्छा, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। तो कल रात से फोन कर रहा है, गंदी गंदी गाली बकरा रही, कह रहा है मेरे को डिवोर्स चाहिए और अगर तू यहाँ पे आ गई तो तेने संभालूंगा। बढ़िया, कौन कह रहा है ये बात? साहिल। साहिल क्या लगता है? मेरे हस्बैंड। अच्छा, पहले से ही कह रहा है या अभी से कहने लग गया? कल रात से फोन आ रहे हैं उसके बहुत ज्यादा। मैं मेरे घर पे आई थी, मेरी बहन की शादी थी। मार पिटाई कहाँ करी है? मार पिटाई बहुत टाइम से करता रहा है। अच्छा, पर अब आई हाथ खींच के, गरज चल मेरे साथ। फिर इसने फोन किया अपने पता जो इसने बुला रखे थे उनके पास और कहा कि आते ही सिर्फ चिपटना है मेरे घर पे। कवर सिंह का आपके झगड़े घर पे किया? आपके झगड़ा घर पे आ गया और किसके साथ मार पिटाई की है? आते ही फोन पे बात कर रहा था कि आते ही बस चिपटना है, किसी से कोई बात नहीं कर रहे। अच्छा, और आते ही मारपीट शुरू कर दी। और यहाँ पे मेडिकल में कर्मचारी हो? मेडिकल में डॉक्टर औरतों में ड्यूटी है उसकी, फोर्थ क्लास है। अच्छा, क्या कह रहा था यहाँ पे आके? यूं कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में सिर्फ मेरी ही चलेगी, मेरा हॉस्पिटल है। अच्छा, कर लो तुम जरा, दो तीन घंटे से यहाँ पे डॉक्टर। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ पे? किसी डॉक्टर ने देखा आप लोगों को, चेकअप किया? वो डॉक्टर कौन सा? वो नहीं देखा है? नहीं, उनको चोट लगी इतनी देर से, उनके आपको देखा है या नहीं? देखा मेरी लगाई तेरे को देखा कुछ नहीं। साहिल शर्मा जी, मामला सर इस प्रकार है, मेरे घरवाले के साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नहीं मारा, कोई ऐसा सिस्टम है, घरवाले और हम दोनों तो रवा इकट्ठा, और मैं भी घरवाले के साथ इकट्ठा रहना चाहता हूँ, और मेरा भी एक बेबी है, लेकिन अदरवाइज उसकी जो मौसी है, उसका जो ताऊ है बीच वाला, वो उसके सकाए माँ का सारा गेम उनने खुलवा रखा है। कल परसों उनके साथ दी थी और पीछा तो लेके गए थे, मैंने जो घरवाले उसको बोला भी था, भाई मेरी इज्जत नहीं करते, तो पहले मेरी इज्जत है, बटेव की इज्जत पहले होती है, पत्नी की तो बाद में, जब पत्नी की इज्जत नहीं हो, बटेव की इज्जत नहीं होगी तो पत्नी कैसे साथ जाओगी? ये बात तो आप भी समझो को, कल ना आप भी कहीं, आप भी शादी हो रही है आपकी, आप भी कहीं जाओ, आपकी भी ससुराल है, आपकी इज्जत बटेव की इज्जत नहीं होगी तो आपकी उसकी क्या इज्जत होगी? तो ये मामला इस प्रकार का है, तो वे उसने भड़का रहे हैं उस हिसाब से, और कोई ऐसा मेरा, मैं तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मेरा पत्नी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, अगर आपको कोई भी इस चीज़ की हो तो आप। हाँ, घर पे मैं लेने वास्ते गया था जी, हाँ मेरे ससुराल में लेने वास्ते गया था, क्योंकि मेरे पत्नी ने खुद बोला था अब भाई शादी के बाद आप मेरे को लेने आ जाइयो, और हमारी यह बात हुई थी अब ड्यूटी ख़त्म करके और अपने ड्यूटी अपने मेरे मैंने लेने वास्ते आ जाइयो, और मेरा कोई भी कुछ वो नहीं था किसी से। किस चीज़ का? नहीं जी, मेरी कोई सी ऐसी कोई बात नहीं है ना, मेरे कोई इसे कोई बात नहीं, दुनिया लग रही है मेडिकल में जी, मैं कोई अकेले, मैं तो छोटा कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी लगा लो जी। नहीं जी, मेरा कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून के लिए कोई वो नहीं है, मैं डिपार्टमेंट में कर्मचारी हूँ, मैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में लोगों की हेल्प करता हूँ, आप कहीं भी जाके कहीं पूछ लो, कोई भी डिपार्टमेंट के किसी भी स्टाफ नर्स से पूछो, डॉक्टर पूछो, मेरे बारे में किसी से पूछ लो, अगर मेरे कोई कल खुद वीडियो में देख लेना, मेरी पत्नी खुद आई थी। नहीं, मैंने कोई ऐसा कुछ वो नहीं किया, मैंने कोई कैची नहीं, मेरी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, मेरे घरवाले के साथ, लेकिन जो उसकी मौसी और उसका जो ताऊ वे उसको भड़का रहे हैं, उस वजह से वो बेचारी बोल नहीं रही, और इसी वजह से आगे वे जानबूझ के सिग्नेचर करा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हुई, कैमरे में थोड़ी भी रिकॉर्डिंग है, वहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा करने लगे, उस बेचारी को बार बार ये बोल रहे हैं, उसके ताऊ का लड़का है बीच वाला, विक्की नाम है, वो बैंक में लग रहा है, वो भड़का रहा है बार बार में, उसका ताऊ महेंद्र है और उसकी मौसी है, ये तीन बंदे हैं, और कोई किसी कोई भी नहीं भड़का रहा है, किसी प्रकार के कोई वो नहीं है, बस ये है मेरे, तो मैं तो घरवाली के साथ रहना चाहता हूँ, ना मेरे घरवाली के साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़ा, सीधी साफ बात है, ना मैंने उसके साथ मारपीट की ना और कुछ, अगर फिर भी आपको ये लगा है मैंने मारपीट की है, आप कानून कार्रवाई करवाओ और मेडिकल कराओ, और मेरा एक लड़का है वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है भाई, आप नेम ठाओ, हाँ उन्होंने मेरे साथ ना मेरे मारपिटाई की और लड़ाई झगड़ा किया, मेरे मम्मी पापा आए थे लेके आके, मैं वहीं पर था।
नहीं उनके साथ तो वो उनको वो कर रखा था उनने, अग भाई तू इसे पेंडा छुड़ा डिवोर्स ले ले इससे, ये मतलब भड़का रहे हैं कुछ ऐसा। मेरा मेरे पत्नी के साथ कोई मेरा लिंक कोई है ही कोनी, लड़ाई झगड़ा ही कोनी मेरे पत्नी के साथ मेरा कोई।